अगर ये कोई भी जज, चाहे ये जज हो या कोई और जज साहब हो, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी तरीके से और उसी लहजे में ये बात कहते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी जुडिशियल जुडिशियल सिस्टम के लिए हमारे, जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि अगर सत्ताधारी मनुवादी मानसिकता के सत्ताधारी जो कि हर एक इंस्टीट्यूशन को दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, वो जुडिशरी को डराने में कामयाब हो गए हैं, और जजेस भी जो हैं कोई ना कोई रास्ता तलाश करते हैं, कोई भी घिनौना काम अगर मनुवादियों ने किया हो या जो लोग सरकार में बैठे हैं कोई भी गंदे से गंदा या घिनौने से घिनौना भी काम किया हो, तो उसमें भी कोई ना कोई बहाना निकाल के उनको बेनिफिट करने की कोशिश की जाती है या उनको फायदा पहुंचाने के लिए नरेटिव सारा चेंज किया जाता है। इस तरह का इंप्रेशन पब्लिक में जाएगा जो कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। सर, इसी के साथ उमर खालिद को बेल नहीं मिलती है और अनुराग ठाकुर ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली दंगे की शक्ल में जब सामने आया तो पूरी की पूरी चीजें आपके सामने है, आपने भी दिल्ली को जलते हुए देखा। उमर खालिद को तो नहीं मिली बेल, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी सर कि कौन सा ऐसा पेच है जो उमर खालिद, खालिद सैफी और तमाम वो एक्टिविस्ट हैं जिन लोगों को अभी तक बेल नहीं मिल रही और वो सरे से खारिज कर दिए जा रहे हैं। दो पेच हैं उसमें भी। एक तो कानून में ये प्रावधान जो UAPA में है 43D5, वो ये कहता है कि जब तक जज साहब ऐसा फैसला नहीं देंगे कि ये बेगुनाह है, बगैर ट्रायल खत्म हुए, बगैर मुकदमा चले, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक प्रोविजन है कानून में। एक तो ये वजह है कि जजेस के हाथ बंधे होते हैं। दूसरा, इन केसेस में तो दबाव का माहौल है ही, और उसके लिए मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूं, और उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस का भी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर और जस्टिस जो जज विनोद यादव साहब हैं उनका ट्रांसफर और एक और मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनका ट्रांसफर, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ ऑर्डर्स लिखने शुरू किए थे, तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये एक एक एटमॉस्फेयर है। दूसरा एटमॉस्फेयर है कि स्पेशल सेल ने और जो क्रिमिनल मीडिया है, स्पेशल सेल तो यहां तक बताते हैं कि शायद उन्होंने एक PR एजेंसी भी हायर कर रखी है वो अपनी न्यूज़ पॉजिटिव लिखवाने के लिए, और पूरी ताकत से वो झूठ की एक पुलंदा जो है वो पेश करते हैं। और फिर मुझे ये कहने में भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो भी चार्जशीट फाइल की गई है वो 18,000 पेज की फाइल ही इसलिए की गई है कि कोई भी जज उसको पढ़ ना पाए, एक बात, कोई भी वकील उसको कोई ना कोई ऐसी बात निकाल ही देंगे वो 18,000 पेज में से कि ये एक बात जो है हमने ऐसी कह रखी थी, और तीसरी बात यह है कि इन 18,000 पेजेस को भी हम सब वकीलों ने पढ़ा, तब भी कोई भी ऐसा सबूत जो कि UAPA की धारा 15 में पूरा बैठता हो, जिसमें आतंकवाद की घटना का डिस्क्रिप्शन यानी कि डेफिनेशन दी गई है, एक भी क्राइम ऐसा नहीं है जो, बल्कि उसी चार्जशीट में कपिल मिश्रा और दूसरे लोगों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, लेकिन सरकार और जो पुलिस है, दिल्ली के पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो किसी भी हालत में जो सरकारी अफसर हैं या जो BJP RSS के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। एकदम उन्होंने साफ मना कर रखा है बहुत सारी कोर्ट्स में तो, कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। ये माहौल ठीक ना होने की बात देश के सबसे बड़े दूसरे दूसरे नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर ने हाई कोर्ट में की थी जस्टिस मुरलीधर के सामने, और अगले दिन जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया था कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहब सिंह वर्मा के जो सुपुत्र हैं प्रवेश वर्मा के खिलाफ, जब ऑर्डर लिखने के कगार पे थे, तो जो हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल साहब हैं उन्होंने कहा था कि माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हम माहौल एक मतलब साजगार नहीं है, इसलिए हम इन लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। यही शायद टिप्पणी की तरफ आप इशारा कर रहे थे, जो अभी आप जज साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि मुस्कुरा के बोला, तो मुस्कुरा के अगर कोई कत्ल करेगा तो वो कत्ल ही माना जाएगा, मुस्कुरा के अगर कोई क्राइम करेगा या रोते रोते करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल भी बगैर जवाब के बात।
सर इसी के साथ दो दिन पुराना एक और मुद्दा आता है, क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि न्यायपालिका से लगातार इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ मामला है। अभी दो दिन पहले एक खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी जहां पर उन्होंने लिखा था कि एक मुस्लिम महिला जिनका नाम खातुमा शेख है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखा, वो भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में उर्दू में, कि पीस वहां भी बना रहे, हम इस बात की शुभकामनाएं या हम उनके लिए दुआ करते हैं। बजरंग दल के लोग वहां गए, पुलिस में अरेस्ट कर उन कंप्लेन कराई, पुलिस ने अरेस्ट किया और एक दिन तक उनको वहां पर रखा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई किसी को, क्योंकि जब हम गांधी की बात करते हैं तो उनके उत्तराधिकारी जो विनोबा भावे थे, उनका ये कहना था कि अब जय जगत कहना होगा क्योंकि सबकी जय जय होनी चाहिए, इस तरह का एक स्टेटमेंट उनका हम पुराना हम देखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या किसी देश के बारे में, उसके पीस के बारे में या कुछ इस तरीके से अगर कोई मुसलमान कह देता है तो क्या वो गिरफ्तारी होना सही है, या फिर जिस तरह से माहौल है वही देश का माहौल खराब ना हो, इसलिए पाकिस्तान का नाम लेते ही एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए ये मनुवादी मानसिकता का एक माहौल बनाने का ही एक दूसरा तरीका है कि वो किसी भी बात पे ये, और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी को ही मनुवाद को और मनुस्मृति को रोकने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारा किस तरह का रिस्पॉन्स है मुस्लिम समाज का, क्योंकि हमें ही बहाना बना के मनुस्मृति लागू कराने की कोशिश जारी है बहुत ताकत से। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो मुस्लिम समाज है उसको बहुत ही होशियारी के साथ एक एक कदम फूक फूक के रखना है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये खतरा मनुस्मृति लागू होने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, मुसलमानों के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी अभी भी समझ में नहीं आती होगी, ये हमसे भी बड़ा खतरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए है, जो शूद्र हैं या अवर्ण हैं, जिनको मनुस्मृति में शूद्र या अवर्ण बताया जाता है, तो अछूत बताया जाता है, शूद्र बताया जाता है, वो ओबीसी हैं, वो एससी एसटी हैं, तो उनके लिए बड़ा खतरा है। हमें तो सिर्फ बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें उतना बड़ा मनुस्मृति से खतरा नहीं है क्योंकि हम उस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, हमें वो शूद्रों की तरह ट्रीट करेंगे अगर उनकी सरकार आ गई मनुवादियों की, भारत का संविधान खत्म करके, वो एक अलग बात है, लेकिन पहला निशाना एससी एसटी और ओबीसी। ये बात मैं कह के आगे चलना चाहता हूं कि अब इसीलिए हमारा रिस्पांस अच्छा होना चाहिए और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, और हमारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे खरीदे हुए लोग जो मनुवादियों ने खरीद रखे हैं, या बहुत सारे जज्बाती लोग जो कि ना जाते ना समझ के, ना समझी में या जानबूझ कर के, बेख्याली में, इमोशंस में ऐसी बातें करते हैं जिससे मनुवादियों को फायदा होता है, देश के दुश्मनों को फायदा होता है, देश के संविधान के दुश्मनों को फायदा होता है, तो एक तो हमारा रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे जो आपने मुझसे सवाल पूछा। देखिए भारत और जो ये मनुवादी है ना आरएसएस वाले, ये क्या बोलते हैं, अखंड भारत, मोदी जी विश्व गुरु बनने के चक्कर में है, तो विश्व गुरु बनने के लिए सबका गुरु बनना पड़ेगा ना, अपने पड़ोसियों का भी, चाहे तो राजी राजी या जबरदस्ती। तो विश्व गुरु तो अपने पड़ोस से ही शुरू होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि देश की जनता, किसी भी देश की जनता और उस देश पे जो सरकार होती है उसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। भारत देश का मतलब है भारत देश की जनता, यहाँ की सरकार अच्छी बुरी हो सकती है। पाकिस्तान के एग्जाम्पल में देके बताता हूँ, पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की जनता, लेकिन वहां जो सरकारें हैं वो पाकिस्तान की जनता की दुश्मन है, पाकिस्तान की जनता का नुकसान कर रहे हैं। तो जो भी कोई नागरिक किसी देश के बारे में कोई टिप्पणी करता है उस देश की जनता के बारे में करता है, जो कि ज्यादातर मासूम होती है, ज्यादातर उसके अधिकारों का हनन हो रहा होता है, चाहे कोई भी देश उठा के देख लें, जो कैपिटलिस्ट फोर्सेज हैं, ज़ायनिस्ट फोर्सेज हैं या मनुवादी ताकतें हैं, वो तो मुट्ठीबारी होते हैं ना हर एक देश में, जो एक्सप्लॉइट करते हैं बाकी सारी जनता का, हक मारी करते हैं, हक तलफी करते हैं। तो ये टिप्पणी जो है ये जनता के लिए होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको, ये बात मनुवादी कभी भी सामने आने नहीं देते कि देश का मुसलमान जो है, किसी भी कम्युनिटी ने अगर भारत का जो 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 आजादी से पहले 1947 से पहले का जो भारत था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारा जो भारत है अभी, वो सब एक साथ थे,
डिवीजन होने का, पार्टीशन होने का सबसे बड़ा नुकसान अगर कम्युनिटी की नजर से देखा जाए, मजहब की नजर से देखा जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी कम्युनिटी का हुआ है तो मुसलमानों का। तो जो भी समझदार मुसलमान है, और ज्यादातर मुसलमान अब समझदार हो गए हैं, और बहुत कम मुसलमान ऐसे बचे हैं जो समझदार नहीं है, तो वो पाकिस्तान एज ए कॉन्सेप्ट से, वहां की जनता से नहीं, पाकिस्तान एज ए कॉन्सेप्ट से, देश का विभाजन के कॉन्सेप्ट से नफरत करते हैं मुसलमान। सबसे बड़ा नुकसान भी हमारा ही हुआ मुसलमानों का। तो कोई भी मुसलमान जो है वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से ही परेशान है, नुकसान में है, और ये चाहेगा कि किसी भी प्रकार से अखंड भारत बने। मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये ना चाहेगा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ दोबारा बन जाए, एक राष्ट्र बन जाए, जो आरएसएस का भी एजेंडा है। लेकिन आरएसएस वाले झूठ बोलते हैं, और जो बाकी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, मुसलमान हैं, वो सच बोलते हैं। हम सब लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आज भी ये चाहेंगे कि अखंड भारत बन जाए, लेकिन आरएसएस वाले जो उनका पहला एजेंडा है उसी के बारे में झूठ बोलते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि अखंड भारत बने, वो ये चाहते हैं कि आज भी भारत का जो विभाजन हुआ है वो आरएसएस के लोगों ने कराया था वेस्टर्न ताकतों से मिलके, और आज भी वो ये चाहते हैं कि देश जो है ताकतवर ना हो और कमजोर हो, उसके लिए ताकि और कमजोर होगा तब वो मनुस्मृति आराम से लागू करा पाएंगे। तो ये है बैकग्राउंड जी। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे है, इससे पहले हमने हिजाब पर जो फैसला आया था उस वोट डेक पे हमने बात की थी, उसके बाद बच्चियां जब सुप्रीम कोर्ट गई उन्होंने उसे कहा कि वो सुनने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने सुनने से भी इनकार कर दिया। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और हिजाब का मुद्दा कितना सीरियस है आपसे बेहतर शायद ही कोई और समझता होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार जब उन्होंने सुनने से ही मना कर दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया, तो आप क्या कैसे देखते हैं इन दाव पेज को? क्या इस हिजाब की जो अहमियत है, जो उसके मायने हैं मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे उतनी ही गंभीरता से समझेगा और उसकी सुनवाई करेगा, या फिर से वही एजेंडा चलता रहेगा जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इतने दिन सुनवाई की और वर्डिक्ट क्या दिया वो आपके सामने है? मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे पहले सवाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। जी 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 जी। खुद पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और ऐसे दूसरी जगहें हैं, सिंध, जो वापस भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो और भारत के मुसलमान जो हैं, जो इंडिया के मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान की सरकारों से और आईएसआई से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, ये बात भी है, एक हकीकत है। तो इस सब बात को आरएसएस वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आरएसएस की एग्जिस्टेंस ही पाकिस्तान की आईएसआई से है। वहां की आईएसआई और आरएसएस का जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ना, एक दूसरे को गाली देके एक फायदा उठाना, वो एक दूसरे से ताकत और फायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज को हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए। कोई भी मुसलमान किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, अगर उसका दिमाग ठिकाने पे है, तो वो पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से नफरत ही करेगा, क्योंकि हम लोग तो बर्बाद हो गए पाकिस्तान बनने की वजह से। और कोई भी मनुवादी इस कॉन्सेप्ट से, मनुवादी मानसिकता का खुश होगा, क्योंकि उनको मौका मिल गया ताकतवर होने का। देश के जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज, मुस्लिम समाज खास तौर पे, को आपस में लड़वाने का मौका ही पाकिस्तान से मिला है ना, वरना क्या मजाल थी किसी भी मनुवादी की के शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और माइनॉरिटीज के सामने खड़ा ही हो सकता। आज का जो देश में हमारा जो ये सब माहौल खराब है और मनुवादी ताकतवर हो रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही तो हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान ना बनता तो मनुवादी कहीं भी ना होते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के प्रधानमंत्री होते पहले। तो ये चीज समझने की जरूरत है, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या है, पाकिस्तान की आवाम और हमारे देश की आवाम, बांग्लादेश की आवाम, ज्यादातर आवाम जो है वो एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे जैसी ही है, और सब जगह करप्शन से सफर कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो अब कुछ थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन करप्शन और जो हमारी आपस में नफरतें हैं जो फैलाई जा रही हैं, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये हमें सबको समझना पड़ेगा, और इस सब की जड़ और बुनियाद मनुवाद है और वेस्टर्न ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, कैपिटलिज्म है, ये बात हमें सबको समझनी चाहिए। अब मैं आपके इस सवाल पे आता हूँ, हिजाब वाले। हिजाब में मैं बार बार ये कह रहा हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई लाभ नहीं हो, हाई कोर्ट जाने का कोई लाभ नहीं होना था। ये मनुवाद की मनुस्मृति लागू करने की एक पहल है, महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखने की एक पहल है, महिलाओं का हक, इंडिपेंडेंस, उनकी आजादी, वो क्या पहने क्या नहीं पहने। आपको मैंने हिजाब पहने नहीं देखा, आप भी मुस्लिम हैं, ये आपकी आजादी है। उसी तरीके से अगर आप हिजाब पहनना चाहेंगी वो भी आपकी आजादी है, ये कोई नहीं ले सकता ना आपका ये हक कि आप नहीं पहनेंगी, या आप अगर पहनना चाहेंगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये हक आपसे कोई नहीं ले सकता। ये महिलाओं से हक लेना मनुस्मृति की सबसे अहम जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को जूते की नोक पे रखना और जूते के नीचे दबा के रखना, ये मनुस्मृति का एक मूल मंत्र है। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, पिटाई करने के योग्य हैं सब लोग, ये मनुस्मृति है। तो भारत के संविधान की वजह से ये ताकत उनकी कम हो गई थी। तो जो भी, चाहे वो मुस्लिम भी हो, अगर वो महिलाओं के साथ उनके ऊपर कोई बंदिश लगाता है, किसी भी धर्म का हो, बौद्ध भी क्यों ना हो, सिख भी क्यों ना हो, क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, एससी एसटी ओबीसी का क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो मनुवादी मानसिकता का ही व्यक्ति है, वो अपने इन सभी धर्मों से दूर है, चाहे वो सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या इस्लाम धर्म हो। जो महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जो कि ये सभी धर्म आजादी देते हैं, महिलाओं को बराबर का हक देते हैं, तो वो मनुवादी मानसिकता का ही व्यक्ति है। इस बात को भी हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो लोग गए हैं उनके नाम बड़े होंगे, अब एक जस्टिफिकेशन आ गई कि पर्सनल लॉ बोर्ड इतने दिन से चुप बैठा था और इतनी ज्यादा उनके साथ सवाल जवाब हो रहे थे कि आप कुछ नहीं कर रहे, सो रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती, इस सब तरह की बातें हो रही थी, तो उन्होंने एक पिटीशन डाल के बरीउल जिम्मा हो गए। मतलब उन्होंने जन्नत हासिल कर ली एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके, यही तो कहेंगे ना वो। लेकिन इस पिटीशन डालने के चक्कर में दो तरह का फायदा होता है, एक तो उनका नाम हो गया पर्सनल लॉ बोर्ड का, और दूसरा अब जो खर्चा होगा इस पे उसका आज तक हमें वो नहीं दे रहे हैं अभी तक। पर्सनल लॉ बोर्ड के हम मेंबर हैं, हम उनसे ये मांग रहे हैं अपना कम से कम बजट तो दे दो हमें, तो पहले बजट दिया जाता था, अब बजट छुपाया जा रहा है, मेंबर्स के नाम और नंबर्स भी छुपाए जा रहे हैं, वेबसाइट से हटा लिए गए, आप देख लीजिएगा जाके। तो सुप्रीम कोर्ट अगर हक में फैसला देगी तो कानून लाया जाएगा बीजेपी सरकार द्वारा, तब क्या करेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर का जो फॉर्मूला है वो पता नहीं है क्या? तो ये सब बुनियादी बात यह है कि बुजदिली जो है हमारी लीडरशिप में आ चुकी है, और हमारी आवाम को खड़े होकर लीडर्स को भी हौसला देना पड़ेगा। जो जो कि लालच से बुजदिल बने वो तो हमारे सामने नहीं आएंगे, जो डर की वजह से बुजदिल बने हुए, अगर आवाम उनके साथ खड़ी होगी, उनके ऊपर उनको रिक्वेस्ट करेगी, तो वो लोग बहादुरी से सामने आएंगे। ये बात आपको समझ के चलनी चाहिए। बस एक सवाल जो आपकी बात से सामने आता है वो यही है कि मेरे दुपट्टा पहनने या नहीं पहनने से किसको क्या परेशानी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंच गया, लेकिन बेटियों के इस वजह से एग्जाम छूट रहे हैं और स्कूल का साफ निर्देश है कि वो हिजाब उतार के आएंगी तभी उनको एग्जाम देना दिया जाएगा, क्या कोर्ट के लिए इतना मुश्किल है कि वो सीधा कह दे कि बेटियों जाओ एग्जाम दे के आओ हम बाद में देख लेंगे? क्या इतना मुश्किल क्यों हो जाता है इन चीजों में जब बात शिक्षा की आती है और खासकर जब बेटियों की बात आती है? तो फिर आप एक ही सवाल ऐसा पूछ रही है जिसका जवाब एक ही है, चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके बता चुके हैं आपको जी, वही जवाब है। जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा अदालतों को मजबूत करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए बड़े बड़े प्रदर्शन करने पड़ेंगे अदालतों के समर्थन में, जजेस के समर्थन में, कि हम लोग आपके साथ खड़ी है पूरी देश की जनता, आप बहादुरी से फैसले दो। कोई बहादुरी से फैसले की बात करें तो बाबरी का फैसला भी तो हमारे सामने है, तो जनता नहीं खड़ी हुई ना, वो क्लासिक एग्जाम्पल है बाबरी मस्जिद का, वही जो बाद में चीफ जस्टिस बने, वो उन चार जजेस में थे, अब सांसद बन गए, उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजारिश की थी ना देश की जनता से, आओ हम लोग दबाव में हैं, जनता नहीं आई, कोई भी नहीं आया उनके लिए प्रदर्शन करने उनके सपोर्ट में, तो फिर क्या रिजल्ट आया? वो जजमेंट आई, दबाव से नहीं निकाला ना हमने, जनता ने देश की, उसके बाद तो फिर दूसरा रास्ता चुन लिया उन्होंने, यही तो हालात से नजर आता है। फिर उन्होंने लालच वाला रास्ता और राज्यसभा वाला रास्ता इख्तियार कर लिया। जनता की जिम्मेदारी है हमारे सभी संस्थानों को बचाने के लिए,
खड़े होने की, इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए खड़े होने की, जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट लार्ज स्केल पे करना शुरू कर देना चाहिए अगर हमारे देश का संविधान बचाना है। सर उसकी तैयारी कैसे होगी, कौन लोग सामने आएंगे, कौन लोग उसे लीड करेंगे, क्योंकि जब बात लीड करने की आती है तो सबको सरदार बनना है लेकिन साथ ही किसी को नहीं बनना है, जेल किसी को नहीं जाना ना, यही बात है। तो क्यों, क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे एक्टिविस्ट, इतने सारे जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट करने के चलते ही तो जेल में है। वो सब लीडर हैं जो बाहर रह के बुजदिली दिखा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो सब लीडर हैं, एस्टेब्लिश हो गए, जो लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला जा रहा है वो सब तो लीडर्स हैं ही हमारे, लेकिन वो तो जेल में है ना। बाकी लोग जो ये बुजदिली जेल से और पुलिस की रेड से डर के जो लोग बुजदिली का चोला ओढ़े बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग बुजदिली का मुजाहरा करते रहेंगे, अपने अपने लालच उठाते रहेंगे। और अब जो यूपी इलेक्शन से पहले लोग थे, हम लोग तो अब यूपी में मुहिम शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल उन सभी पॉलिटिकल पार्टी से है जो कि यूपी में क्या पिकनिक करने आए थे, सिर्फ इलेक्शन के दौरान पिकनिक के लिए आए थे सब, अब जनता को जरूरत है ना। 60% के आसपास जनता ने इस ईवीएम के घोटाले के बावजूद, इनके खुद के रिजल्ट्स के हिसाब से, जो ईवीएम के घोटाले के बावजूद भी 60% जनता ने करीब वोट नहीं दिया है आरएसएस और बीजेपी को, उनकी रक्षा करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं है, बाकी कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी रक्षा करने के लिए खड़े हों। आज जो उत्तर प्रदेश में दोबारा डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो सब क्या टूरिस्ट थे, पॉलिटिकल टूरिस्ट थे क्या यूपी के? लेकिन इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, और जो बहादुर लोग हैं, जो जेल जाने से नहीं डरते, जो किसी लालच में नहीं आ रहे हैं, उनको देश का संविधान बचाने के लिए यूपी में भी और दूसरे राज्यों में भी, जहां जहां देश के संविधान की एकदम खुले आम के, देश के संविधान के ऊपर खुले आम हमला हो रहा है, वहां पे खड़े होकर पीसफुल प्रोटेस्ट आंदोलन खड़ा करना चाहिए, नहीं तो जनता को पहचान लेना चाहिए ये लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, सोशल टूरिस्ट हैं, अपने आप को हाईलाइट करके इलेक्शन में वोट मिला ना मिला ये बात अलग है, आप जीते ना जीते ये बात अलग है, लेकिन जनता की तरफ आपकी जिम्मेदारी है, जनता आपको अपना नुमाइंदा समझती है, आपको वोट देती है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उनके साथ खड़े रहें, आप सबसे ज्यादा जब जनता परेशान सबसे ज्यादा।